सभी फार्मर भाइयों को राम राम। मैं आपका अपना दोस्त तरुण कुमार उस्ताद जी पिक फार्म में आप सभी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। तो फार्मर भाइयों, हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य आप सभी को पता ही है कि हम अपने फार्मर भाइयों की थोड़ी सी जो मदद हम कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम कर रहे हैं। तो फार्मर भाइयों, मेरे फार्म में छोटी सी बीमारी आई थी, तो उसके बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर किसी भी फार्मर भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके फ़ोन पे सबसे पहले आए। तो फार्मर भाइयों, तो मेरे जो फार्म पे एक छोटी सी बीमारी आई है स्वाइन फॉक्स के नाम से। तो आप जो भी फार्मर भाई हो उनको पता होगा कि स्वाइन फॉक्स है क्या। तो मैं जिन फार्मर भाइयों को नहीं पता, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि स्वाइन फॉक्स है क्या। तो फार्मर भाइयों, ये स्वाइन फॉक्स ऐसी बीमारी है, ये किसी भी फार्म में आ सकती है, जिसका आज तक पता नहीं लगा कि किस तरीके से आती है, बट ये आ जाती है। तो कई फार्मर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारे यहाँ ये क्या बीमारी आ गई। तो इसके मैं लक्षण आपको बताना चाहता हूँ। ये स्वाइन फॉक्स जो बीमारी होती है, ये ज़्यादातर बच्चों में भी आ जाती है और बड़ों में भी आ जाती है। तो फार्मर भाइयों, ये जो बीमारी होती है बच्चों में, लाल लाल धब्बे और फुंसियाँ सी आ जाती है। आपने नोट किया होगा, लाल लाल धब्बे, सूअर लाल लाल दिखना स्टार्ट हो जाता है और उसमें लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। तो फार्मर भाइयों, इसका एक बहुत ही सरल उपाय है, छोटा सा उपाय है, जिसको आप 3-4 दिन कंटिन्यू करेंगे तो आपके एनिमल बिल्कुल सही हो जाएंगे। और इसका हम इलाज भी बताएंगे, और कित आपको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे या इंजेक्शन पे लगाने की जरूरत नहीं है। छोटा सा 30-40 रुपए की हम आपको दवाई बताएंगे, और आपको यूज़ 3 से 4 दिन तक यूज़ करें उसको, और उसका आप फ़ायदा भी देखें। हमने खुद उस चीज़ का फ़ायदा हमारे को मिला है। तो फार्मर भाइयों, हम उसका नाम भी बताएंगे और किस तरीके से घोल के किस तरीके से वो करना है वो भी हम बताएंगे। तो फार्मर भाइयों, वीडियो स्टार्ट। ये दवाई है, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहता हूँ, पोटाशियम के नाम से ही आप देख सकते हैं। तो ये इसको लाल दवाई भी कहते हैं, इसको लाल दवाई भी फार्मर भाई कहते हैं, और ये मार्केट से आपको 35-40 रुपये में ये मिल सकती है। तो ये जैसे आपके पास जानवर है, बड़े छोटे हैं, जितने बल्क में आपके जानवर है उसी हिसाब से इसको डालना है फार्मर भाइयों। अब इसका कोई ऐसा तो नहीं है कि आप कितना डालें, बट इसको बहुत ही कम, इसको मैं आप अगर 30-40 जानवर है तो इसको आप आधा डालें। अगर 30-40 जानवर है तो ये पूरी जैसी होती है, इसमें पाउच होता है, उसको आधा डालें आप, ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। और मान लो किसके पास 5-10 बच्चे हैं और तो उसको तो बिल्कुल ही मामूली, मैं आप क्या बोलूँ, बिल्कुल मामूली, जैसे मक्खी के मुताबिक या उससे थोड़ा सा ऊपर थोड़ी सी इसको दे सकते हैं। और इसको किस तरीके से देना है और वो भी हम आपको दिखाएंगे, और किस तरीके से इसको लगाना है वो भी हम दिखाएंगे। तो अभी आप देखना भाइयों, ये हमने इसमें डाल दिए, तो आप देख सकते हैं, ये हमने 1-2 मिनट इसको डालें और इसमें 1-2 लीटर पानी डाल दें। जैसे आपके पास जानवर है, जिस हिसाब से उस हिसाब से आप पानी डालें, अगर कम है तो कम पानी, ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी, और पोटाश वो भी पोटाशियम उसको भी ज़्यादा डालें। तो हमारे पास वो भी कम जानवर है जिनके ये बीमारी भी आई है, तो हमने ये इसमें घोली है। और आपके पास ये भी होना चाहिए, आपको छोटा पंप या बड़ा पंप हो, ये हमारे पास तो बड़ा है, अगर छोटा है आपके पास वो भी कारगर साबित है, बट हमारे पास बड़ा है तो हम इसके साथ हम करेंगे और इसको छान के हम डालेंगे फार्मर भाइयों। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें हम डालेंगे, और इसका कलर ऐसा होगा, ये देखने में फार्मर भाइयों ब्लैक भी हो सकती है, जो पोटाश होता है ब्लैक ब्लैक देखने में होता है, बट जब इसमें हम पानी डालते हैं, तो ये ऐसा हो जाता है, बैंगनी कलर का ही हो जाता है। तो फार्मर भाइयों, किस तरीके से ये इसको यूज़ करते हैं एनिमल के ऊपर वो भी हम अभी देखेंगे। फार्मर भाइयों, ये हमारे पास एक एनिमल है, तो इसके यहाँ ये रेड चली हुई है इधर, और ये जैसे ये जैसे ठंड में भी होती है, ये देखिए यहाँ से ये कैमरे में आपको दिखाना चाहते हैं, ये फूलती हुई है। तो इसके लिए काम करिए दवाई है, किस तरीके से हम एनिमल के ऊपर ये यूज करती है वो भी हम आपको बताएंगे। देख सकते हैं इधर रेड रेड हुआ इधर, तो ये उसी के ये लक्षण है। तो हम ये लाल दवाई हम यूज़ कर सकते हैं, ये पोटाशियम जो हमने आपको बताई है, और इसके अच्छे रिजल्ट है फार्मर भाइयों, ये आप देख सकते हैं। इसको लगानी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से फार्मर भाइयों ये हो जाएंगे, आप देख सकते हैं।
सुखाना है, ये हमने छोड़ दिया है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमने लिया और इनका ये बैंगनी जैसा कलर हो सकता है इस दवाई का। और हो सके फार्मर भाइयों, एनिमल को दवाई लगाने के बाद धूप जरूर लगाएं, एक बार एनिमल को धूप जरूर सुखा दें, क्योंकि ताकि ये जो ये दवाई है जो त्वचा पे बैठ जाए और अच्छा अपना काम करें। तो फार्मर भाइयों ये आप कर सकते हैं, इसके अच्छे रिजल्ट है, हम भी कर रहे हैं इसको यूज़, तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया हमारे जानवर को भी। तो फर्क तो फार्मर भाइयों ये हमने धूप लगी है फार्म के बाहर, थोड़ी देर के लिए बच्चे हमने बाहर निकाले हैं, तो अभी हम ये देख सकते हैं आप, ये हमने थोड़ी देर बाहर निकाले हैं, तो आधा एक घंटा आप रख सकते हैं दवाई लगाने के बाद। ये देखिए दवाई बिल्कुल सूख चुकी है, आधा घंटा बहुत है, और अगर एक घंटा आप धूप सुखा सकते हैं तो जैसे ठंड का मौसम है आजकल, तो बिल्कुल हम तो रिकमेंड करेंगे आपको कि धूप में आप बच्चे को धूप सुखाइए, क्योंकि इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। तो ये आपको देखना होगा कि नहीं, हम धूप सुखाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये देख सकते हैं हम सुखा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिस फार्मर भाई को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस भी फार्मर भाई ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फार्मर भाइयों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन है आपके फ़ोन पे सबसे पहले आए। तो मिलते हैं फार्मर भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।